केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से भाजपा का रंग झंडा नाम सब कुछ हटा दिया, जिसके बाद सिंधिया को उनकी पुरानी पार्टी कांग्रेस और उनके पुराने साथियों ने घेरना शुरू किया। कांग्रेस नेता अवनीश सिंह बुंदेला ने कहा कि लगता है भाजपा में सिंधिया के उसूलों पर आंच आ गई है, इसलिए वो भाजपा छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब सिंधिया घर के रहे ना घाट के, वहीं सिंधिया ने भी कांग्रेसियों को करारा जवाब दिया। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर बायो से बीजेपी हटाने को लेकर तंज कसा है। उसके बाद तो सिंधिया भी कहां पीछे हटने वाले थे। सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास जनता का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो सुबह शाम केवल झूठ और गलत प्रोपेगेंडा फैला रही है। मेरे ट्विटर बायो से अच्छा अगर जनता की मन की बात पढ़ ली होती तो 15 महीनों में कमलनाथ की भ्रष्ट सरकार न जाती। खैर, सिंधिया और उनके पुराने साथियों में वाद विवाद तो चलता ही रहेगा, लेकिन सिंधिया के अपने ट्विटर प्रोफाइल से भाजपा का नामो निशान मिटाने के कई मायने हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।